दिन याद आते हैं मुझे। हाँ ठीक है, जवान है इसका गैलरी काम है। लेकिन इनको याद है आपको? अरे मेरे को बहुत याद है यार, राजू मेरे को बहुत ही याद है। हम देखो मैं कहीं बताऊँ फोटो ले। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है लाला जगत नारायण की पुण्य स्मृति में या 42वां उनकी इसमें यहाँ पर एक कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें बहुत ही लोग आ करके बढ़ चढ़ करके ब्लड डोनेशन का देने का काम करेंगे, और जो लगातार रक्त दे रहे हैं उनको सम्मानित करने का भी जो उन पुण्य स्मृति पर किया जाएगा। ये जो है आज पंजाब के हिस्से के संपादक जगत नारायण जी के उसमें जो है आज पुण्यतिथि में जो है हम जो है यहाँ पर ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। ये जो है काफ़ी अच्छा है लोगों के लिए, जो है इससे जो है हम जो है तीन तीन लाइफों को बचा देते हैं एक बार डोनेशन करना। और इसके बाद जो आप एक बार ब्लड डोनेशन करेंगे उसके बाद जो आपके अंदर फीलिंग आएंगी वो काफ़ी अच्छी फीलिंग आएगी। और मैं सभी लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि समय समय पर आप 3 महीने 6 महीने में जैसे आपके कारण हो सकते हो आप ब्लड डोनेशन करते रहिए, जिससे जो है काफ़ी लाइफ बचाई जा सकती हैं। और जो है हमारे जो इंडिया में जो है ब्लड डोनेशन का जो है काफ़ी शॉर्टेज है ब्लड डोनेशन, क्योंकि कितने एक्सीडेंटल केस होते हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है। तो उसके लिए ब्लड डोनेशन कैंप पे आप लोग करेंगे तो आपके मन में खुद ही एक हर्षोल्लास का अनुभव होगा, और इससे ऐसे हम जो है समाज की कुछ सेवा भी कर पाएंगे अपनी ओर से। देखिए महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सामाजिक सुधार के लिए जिनका नाम हम बड़े सम्मान के साथ लेते हैं, ऐसे लाला लाजपत राय जी के सहयोगी के रूप में लाला जगत नारायण एक बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रहे हैं, और उनके द्वारा पंजाब केसरी अखबार की स्थापना की गई थी, और उस पंजाब केसरी अखबार के माध्यम से उन्होंने सामाजिक चेतना जगाने का बहुत बड़ा काम किया था, और स्वतंत्रता आंदोलन में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर अल्मोड़ा नगर में पंजाब केसरी अखबार के माध्यम से अल्मोड़ा में ब्लड डोनेशन का रक्तदान शिविर का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।